हेलो, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद दारा। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज हाका नूडल, जिसे चाउमीन बोला जाता है हिंदी में। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और यमी लगती है। इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। सो वेज हाका नूडल्स बनाने के लिए हमको वेज नूडल्स लगेंगी, हमको वेजिटेबल्स लगेंगी, चॉप्ड वेजिटेबल्स कटी हुई, जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं, कैबेज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ग्रीन चिलीज, यहाँ पे मैंने 3 ली हैं, हरी मिर्च, ऑनियंस, ये रेड ऑनियंस है, एंड सम गार्लिक्स। 2 ऑनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया है 7 to 8 क्लोव्स, और उसको अच्छे से काट लिया है। और यहाँ पर हमको सॉसेस लगेंगी, यहाँ पर मेरे पास टोमेटो सॉस है, ब्लैक पेपर है, एंड सम सॉल्ट। और यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, एंड सम विनेगर। सो यहाँ पर मेरे को 2 पैन्स लगेंगे चाउमीन बनाने के लिए, वेज हाका नूडल्स बनाने के लिए। सो एक पैन में मैंने 5 से 6 कप पानी डालकर उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है पहले ही, जिससे मैं उसको नूडल्स आराम से बॉईल हो सके। तो ये अच्छे से जब बॉईल हो जाए तब आपको आपका दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने। देख सकते हैं अब ये उबल रहा है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दूंगी, और मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करूँगी। मैं ऑयल इसलिए डालूँगी जिससे मेरा नूडल्स अच्छे से पके और उसमें बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं रहे। अब मैं इसमें मेरा हाका नूडल्स जो मैंने लिया है वो ऐड करूँगी, और आप जितना चाउमीन ले रहे हो उससे डबल पानी लीजिएगा, तब आपका नूडल्स अच्छे से बॉईल भी होगा और वो अच्छे से कुक भी हो जाएगा और वो चिपकेगा भी नहीं। जब तक हम वेजिटेबल्स रेडी करेंगे हमारा ये बॉईल होगा। अब आपको इसको 90% तक ही कुक करना है, अंडर डन रखना है, क्योंकि ये जब वेजिटेबल्स में जाएगा तो तब भी कुक होगा, इसलिए हमको 90% ही कच्चा कच्चा रखना है, तब ये आपका नूडल्स बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस लगेगा। हम इसको ओवर कुक नहीं करते हैं कभी भी। अब मेरे दूसरे पैन में मैंने उसको गैस ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी, और इसको अच्छे से अभी हम इसको गर्म होने देंगे। मेरा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर टेस्ट भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने गार्लिक कट करके रखा है चॉप, वो डाल दूंगी, और इसको हल्का सा ब्राउन होने के लिए सौते करूंगी। अब हम इसमें हमारा ऑनियन ऐड कर देंगे। अब मेरा ऑनियन हल्का सा वाइट हुआ है, अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें नूडल्स बनाने के लिए वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पर आपकी वेजिटेबल अच्छा फ्रेशली कटेड होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से दिखेगी। और अगर आपको वेजिटेबल कटिंग का भी एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको सीखना हो कि वेजिटेबल्स कैसे कट करना है, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए रेडी करूँगी। यहाँ पर आप कोई भी वेजिटेबल्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, ग्रीन अनियंस, पोटैटोज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नूडल्स में पोटैटोज़ बहुत टेस्टी लगते हैं, बट लोगों ने आज तक ट्राई नहीं किए तो उनको समझता नहीं है, बट आप ऐड करके देखिए बहुत यमी लगेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वेजिटेबल्स डाल दी है, अब मैं इसको अच्छे से कुक होने के लिए, मीन्स ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं मेरे नूडल्स पे आ जाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 90% कुक हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम इसको स्टील के छन्नी में निकालेंगे, स्ट्रेनर में। इसको प्लीज़ आप स्टील के स्ट्रेनर में ही निकालिए। अगर आपने इसको जैसे जाली वाले स्ट्रेनर में या प्लास्टिक स्ट्रेनर में निकाला तो नूडल्स चिपक जाएगी और बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से फॉक से अप साइड एंड डाउन करूंगी, जिससे मेरे नूडल्स चिपकेंगे भी नहीं और नूडल्स बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने वो जब छन्नी में निकाला, उसको ऑयल लगाने के बाद मैंने इसी सेम पॉट में पानी वापस ठंडा ऐड किया और मेरे नूडल्स वापस इसमें डाल दिए। अब ये पक्के में किसी भी तरीके से चिपकेगा नहीं। अगर आप नूडल्स बॉईल करने के बाद उसको वापस ठंडे पानी में उसको डालेंगे ऑयल लगा के, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही टेस्टी
इफेक्ट देगा आपकी नूडल्स में। सो ये एक और ऑल्सो स्मॉल टिप है आपके लिए, इसको ट्राई कीजिएगा। सो अब मैं मेरे वेजिटेबल्स में वापस आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अंडर कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। बट पहले नमक कम ही रखेगा क्योंकि विनेगर में और सॉसेस में भी बहुत नमक रहता है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, अब इसको सॉटे कीजिए। सो सॉल्ट एंड पेपर डालने के बाद आप इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपका सॉल्ट और पेपर अच्छे से नूडल्स वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अंदाजे से चिली सॉस डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून इट्स अनफ फॉर इट। वन टेबल स्पून सोया सॉस, आई एम एडिंग 2 टेबल स्पून्स ऑफ रेड सॉस, रेड चिली सॉस। आई एम एडिंग 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर शॉट। ना इसको अच्छे से स्टर कीजिए और सारी सॉसेस को वेजिटेबल्स में मिक्स होने दीजिए। अब मैं मेरे नूडल्स में यहाँ पर नूडल्स ऐड कर दूंगी मेरे वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई एम यूजिंग फॉक ओवर हियर, यूज लाइक दिस दिस दिस, अप्स एंड डाउन कीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको मिक्स करते रहिए। जब ये मिक्स हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सॉस थोड़ी कम है, आप इसमें सॉस और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको ढकेगा नहीं, ढकने से उसका स्ट्रेन नहीं आएगा अच्छे से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी नूडल्स अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको नीचे रखेंगे। सो इसको रख दीजिए और अब हम इसको हमारे अच्छे से बाउल में सर्व करेंगे। सर्व हॉट, अगर ये हॉट हॉट सर्व होगी तो ये बहुत ही डिलीशियस लगेगी। सो अब आप इसको खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। इफ यू लाइक प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। पैन में कर दूंगी तो मैं अच्छे से धो के और इसमें कुछ अच्छा दे के साथ में।